जनपद फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के 100 शैया अस्पताल का दौरा किया, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपना दौरा किया और कई राजनीतिक पार्टियों के राजनेता यहाँ दिन प्रतिदिन आते नजर आए। लेकिन आज जनपद फिरोजाबाद के अंदर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने 100 शैया अस्पताल का निरीक्षण किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह निरीक्षण अस्पताल बनकर ही रह गया है? तो ये व्यवस्था में कमी है और सफाई बहुत होनी चाहिए यहाँ पर। अब तो पूरे अभी कई राउंड दिया शहर में तो चारों तरफ देखे गंदगी गंबार है, गंदगी के साथ साथ पानी भरा हुआ है। लगभग कितने भर्ती बच्चों को देखा आपने यहाँ पर? सफाई नहीं हुई है, हमने 3-4 करीब 400 बेड के करीब मैंने देख के आया। मरीजों की मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो 29 अगस्त को विधायक ने मंडलायुक्त को 46 लोगों की मौत की सूची दी थी। मंडलायुक्त के जाने के बाद जिले में हुई मौतों की बात की जाए तो 29 अगस्त को 7 मौतें, 30 अगस्त को 4 मौतें, 31 अगस्त को 6 मौतें, 1 सितंबर को 7 मौतें, 2 सितंबर को 13 मौतें और 3 सितंबर को 14 मौतें, 4 सितंबर को 6 मौतें। इस तरह दिन प्रतिदिन मौतों की संख्या बराबर बढ़ रही है। जिले में अब तक 75 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, लेकिन सरकारी आंकड़ों की माने तो 44 लोगों की ही हुई है मौत। बुखार से तपते हुए बच्चे माँ बाप के हाथों में तोड़ रहे हैं दम। जन जन को जागरूक हम लोगों को करना है, उसी के लिए हम लोग आज पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं। कुछ मोहल्लों में मैंने सुबह, कुछ मोहल्लों में अभी हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है कि लोग खुद आगे बढ़ के अपने घर की गंदगी दूर करें, अपने घर में जो पानी जमा है जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं उसको दूर करें। मरीजों के तीमारदारों का आरोप, अस्पताल में नहीं हो रहा है सही इलाज, इलाज के नाम पर केवल की जा रही है खाना पूर्ति। डेंगू की शिकायत है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आपको मतलब इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है? प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। क्या कहा जा रहा है? कोई स्टाफ भी ढंग से नहीं मिल रहा, रात में भी कोई इलाज विलाज नहीं कर रहा है। गरीब आदमी जो उस तरीके से आया है वो हकीकत में परेशानी झेल रहा है, इस क्षेत्र में परेशानी झेल रहा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति कर दिखाना अपने आप को कि शो ऑफ करना कि यहाँ पे बेड की सुविधा है, यहाँ पर सब चीज़ें हैं, जो हकीकत है इसको पारदर्शिता केवल मीडिया निकाल सकती है। लखनऊ से आए प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने कमान संभाली है। तो इस हिसाब से संख्या बढ़ रही है, तो कल जैसा हम लोगों ने कहा था यहाँ पे एडिशनल बेड्स अभी लगा दिया गया है ये नई बिल्डिंग में, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे उसके हिसाब से हो गया है। 50 और 15 65 बेड लग गए हैं और ऊपर वाले फ्लोर में अभी ज़रूरत पड़ेगी तो और बेड लगाए जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी मरीज़ को वापस ना जाना पड़े और हम लोग सबकी जितना यथासंभव हमारी सेवा हम लोग करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी यहाँ पर आए हैं निरीक्षण करने के लिए और वो अंदर गए हैं, अंदर निरीक्षण भी कर रहे हैं क्या क्या कमियाँ हैं। वो आएंगे बाहर तब उनसे बात करेंगे। ये किस स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे प्रदेश की ध्वस्त, यहाँ की भी ध्वस्त। देखिए बहुत खतरनाक है ये डेंगू, बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर देखिए दो जनप्रतिनिधियों का झगड़ा भी है तो उसकी वजह से सफाई भी नहीं हो रही है यहाँ। 4 साल से बिल्कुल सफाई का भी नहीं हो रही है, गंदगी का अंबार है। तो हम तो यही है, हमारी अपील है मुख्यमंत्री से, सभी से, प्रशासन के लोगों से, एक तो दवाई जो अभी मानक है उसमें बहुत सुधार।